हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 11th की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर और इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। वो कौन था जिसने क्या करा, मोर साइंटिफिक बेसिस को कंसिडर किया अपना क्लासिफिकेशन देने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर एच व्हिटेकर, जी जे मेंडल, एरिस्टोटल और लिनियस। देखो देखो, जैसे कि हमें पता है कि किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था सबसे पहले एक साइंटिफिक बेसिस में क्लासिफिकेशन को। नेक्स्ट है, इन अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच किंगडम आर टेकन, मोनेरा एंड प्रोटेस्टा, फंजाई एंड प्रोटेस्टा, प्लांटी एंड प्रोटेस्टा एंड प्लांटियन एनिमिलिया। देखो हमें पता है कि जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें मेनली क्या करा गया था, प्लांटी और एनिमिलिया में डिवाइड किया गया था। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड अ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो किसने किया था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। फर्स्ट है एरिस्टोटल, सेकंड है आर एच वी टेकर, सी है लिनियस, कैरोलस लिनियस और डी है नन ऑफ द अबव। तो देखो जैसे हमें पता है कि जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसे 1969 में किसने दिया था, आर एच वी टेकर ने दिया था। तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय वी टेकर इज। तो जो वी टेकर ने क्राइटेरिया दिया था अपने क्लासिफिकेशन का, तो वो क्या था, ए है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी है फाइलोजेनेटिक करेक्टरिस्टिक और डी है ऑल ऑफ द अबव। देखो थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी दिया था उन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एक क्राइटेरिया दिया था और फाइलोजेनेटिक करेक्टरिस्टिक भी एक क्राइटेरिया दिया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड इन। तो देखो हमने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा जिसमें क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो इसमें से कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड इन, किस में पाई जाएगी प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो मोनेरा में पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक, प्रो क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप का जिसका न्यूक्लियस है, तो वो किसका होगा, यहाँ पे मोनेरा का होगा। नेक्स्ट है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच किंगडम। तो कौन सा सा किंगडम है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो फर्स्ट है प्लांटी, देन एनिमेलिया, देन फंजाई एंड नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। तो देखो अगर सेल वॉल एब्सेंट होने की बात है तो एक कौन सा किंगडम होगा हमारा, एनिमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। देखो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो किस में एब्सेंट है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। देखो अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो किस में एब्सेंट होती है, मोनेरा में। ठीक है, तो मोनेरा इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल फाउंड इन। तो किसमें जो है नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई और प्लांटी। तो हमारा एग्जांपल इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, मोनेरा ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या होती है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, बाकी सब में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर टू किंगडम इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट ऑटोट्रॉपिक। देखो ऐसे कौन से दो किंगडम हैं जिसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, यानी हेटरोट्रॉपिक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, एनिमेलिया एंड मोनेरा। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप होगा, फंजाई और एनिमेलिया का। ठीक है, क्योंकि फंजाई भी करती है अपना फूड खुद नहीं बना सकती, क्योंकि इनमें क्या रहता है, क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है और एनिमल्स, तो एनिमेलिया में क्या जाएंगे, एनिमल्स और सारे के सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग एनिमल्स हैं सब एनिमेलिया में आ जाएंगे। तो हम भी अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो हम भी क्या हो गए, हेटरोट्रॉपिक हो गए, इट मीन्स नॉट ऑटोट्रॉपिक। तो जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ट्रू बैक्टीरिया। देखो हमने पढ़ा था कि एक ग्रुप था जिसे हम क्या कहते थे, ट्रू बैक्टीरिया कहते थे। तो इनमें से वो कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट है ऑप्शन आर्चियो बैक्टीरिया, नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया, उसके बाद नेक्स्ट है साइनो बैक्टीरिया एंड है ऑल ऑफ द अबव। देखो हमने पढ़ा था कि जो यू बैक्टीरिया थे उन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो कौन
सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा के, तो देखो इसमें एग्जांपल सॉरी ऑप्शन दे रहा है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और नन ऑफ द अबव। देखो हमने पढ़ा था कि जो सोल मेंबर होते हैं मोनेरा के वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, तो बैक्टीरिया क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हेट्रोसिस इज फाउंड इन, तो हेट्रोसिस किस में पाया जाता है, नॉस्टॉक में, एनाबीना में, बोथ ए एंड बी एंड यूग्लिना। देखो हेट्रोसिस क्या होती है, स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो किस में पाई जाती है, नॉस्टॉक और एनाबीना में, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन, देखो अलग अलग ग्रुप बना रखे थे तो उसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स में कौन आएगा, प्रोटेस्टा, मोनेरा, फंजाई, नन ऑफ द अबव। देखो हमने पढ़ा था कि जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स थे उन्हें प्लेस किया जाता था प्रोटेस्टा में, तो प्रोटेस्टा इज अ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, तो जो लाइकेन है उनमें क्या कह रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड मोनेरा, एल्गी एंड प्रोटेस्टा। देखो एल्गी कॉमन है, अब हमें दूसरा ऑप्शन चूज करना है, तो देखो ब्रायोफाइटा तो होता नहीं है लाइकेन में, फंजाई इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि एल्गी और फंजाई क्या होते हैं जब मिलते हैं तो जो उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, जिसमें जो फंजाई होती है वो शेल्टर और न्यूट्रिशन देने का काम करती है और एल्गी फूड यहाँ पे देने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैरियोगेमी, देखो कैरियोगेमी के बारे में हमने फंजाई में पढ़ा था, फंजाई वाले यूनिट में, तो कह रहा है कैरियोगेमी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू सेल, सेकंड है फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म, सी है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई और डी है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। देखो फ्यूजन की बात कर रहा है, फ्यूजन तो होता है पर किसके बीच में, बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई जब क्या होता है आपस में फ्यूज होते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी कहते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक फंजाई इज, तो सेक फंजाई कौन सी है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज। देखो हमने पढ़ा था एस्कोमाइसिटीज में कि इनको सेक फंजाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, अब किसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज को कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को कहते हैं, डिट्रोमाइसिटीज को कहते हैं या फाइकोमाइसिटीज को कहते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होती है इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इसमें ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है पर इसमें कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिडियोमाइसिटीज आर ऑल्सो नोन एज, तो जो बेसिडियोमाइसिटीज है इनको क्या कहते हैं और क्या नाम इनके लिए है, तो है मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, ऑल ऑफ द अबव। देखो हमने पढ़ा था कि जो बेसिडियोमाइसिटीज है इन्हें मशरूम्स भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, पफ बॉल भी कहते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से इसमें है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो ब्लैडरवर्ट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, कस्कुटा है या बोथ ए एंड बी। देखो हमने पढ़ा था कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो क्या होता है, ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए टीओडाइनर डिस्कवर्ड विच इन्फेक्टियस एजेंट, तो टीओडाइनर ने कौन सा इन्फेक्टियस एजेंट को डिस्कवर्ड किया था, लाइकेन को किया था, बैक्टीरिया को किया था, वायरस को किया था या वायरॉइड्स को किया था। देखो हमने पढ़ा था कि जो टीओडाइनर थे उन्होंने वायरॉइड्स को डिस्कवर्ड किया था, सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आज के लिए एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।